ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ आई चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कानपुर नगर का सबसे व्यस्ततम बड़ा चौराहा, फिर भी हुई चूक। रामा देवी से जाजमऊ गंगा पुल तक भीषण जाम। संदिग्ध परिस्थितियों में 21 साल की युवती का मिला शव। बाजार आई युवती के साथ हुआ दुष्कर्म, फिर जागा जहरीली शराब का जिन। युवक युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस नहीं जागी, हो गई हत्या। ऑटोमोबाइल से मोटरसाइकिल दुकान में अज्ञात लोगों ने लगाई आग। तेज बारिश के चलते भीषण हादसा, गाड़ियों का कटान करते हुए 6 अपराधी हुए गिरफ्तार। तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार को मारी टक्कर। लड़की अपहरण सूचना फैलाकर परिजनों ने सड़क को किया जाम। लूट की ब्लाइंड घटना का हुआ खुलासा। यात्री बस अनियंत्रित होकर जामनी नदी में गिरी। लगातार बारिश के चलते ढहा कच्चा मकान। क्या हुआ भैया, क्यों परेशान हो? अरे कुछ नहीं, बस डिश नहीं आ रही तो क्या करूं, घर में बैठकर बोर हो रहा हूं। अच्छा, तो फिर एक काम करो। क्या? गूगल पर जाकर www.rangtv.com डाउनलोड करो और देखो अपने मनपसंद प्रोग्राम बिना डिश केबल के। हाँ बिल्कुल भाई, बिना डिश केबल के। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ बिल्कुल, तो फिर लो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। अच्छा ऐप? हाँ भैया बिल्कुल बहुत अच्छा ऐप, तो मैं डिश और केबल सब कुछ हटवा कर यही ऐप चलाऊंगा। अब खबरें विस्तार से। कानपुर के सबसे व्यस्ततम बड़ा चौराहा कोतवाली और चौकी के बगल में भारत माता पार्क में बैठे बुजुर्ग पर किसी अधिकारी की नजर नहीं पड़ रही। 3 महीने से यहाँ पर रह रहे और लगातार हो रही बारिश की वजह से इनके हाथ पांव तक फूल गए, लेकिन नहीं पड़ी किसी अधिकारी की नजर। दादा क्या नाम है आपका? हरिशंकर सत्ता बाबूजी। अच्छा, यहाँ से कब से बैठे हुए यहाँ पे? यहाँ पे बाबूजी बैठे ईमानदारी से पूछा जाए तो सर 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने से? हाँ। और बारिश में यहाँ पे कब से भीग रहे हैं आप? बारिश में कब से भीग रहे हो बाबू? बाहर जब से पानी गिर रहा है बाबू। अच्छा, किसी ने कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं की आपकी? बाबूजी सहायता यही आप लोग आए, चाय भाई पीने की 2-4 पैसे मिल गए तो बाबू मिल गए। और कोई सहायता नहीं की आपके किसी किसी प्रकार की? बाबू कोई सहायता नहीं हुई है हमारी बाबू। चकेरी रामा देवी से जाजमऊ गंगा पुल तक भीषण जाम। कानपुर लखनऊ रूट पर हाईवे में लगा जाम। जाम में फंसे हजारों छोटे बड़े वाहन। जाम के चलते रूट पर रेंगा ट्रैफिक। फरखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में 21 साल की युवती का मिला शव, मची सनसनी। ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना पर पुलिस महकमे में मची खलबली। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामला जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव महरू पर खार के आगे पुलिया का पूरा मामला। क्या मामला सरीन? ये थाना जहानगंज के अंतर्गत ये महरूपुर खार करके जगह है, जिला मऊ रोड पर ये
वहीं पर रोड के किनारे एक करीब 5-6 फीट 11 गड्ढा है रोड के किनारे, उसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली है, लड़की की डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो उसके लिए शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ उसको मौतरी सबको मौतरी में भेजा जा रहा है, और इसमें हमने अभी 3 टीम्स लगाई है कि जल्द से जल्द इसकी शिनाख्त की जाए, जल्दी इस प्रकार। उम्र क्या होगी सर? उम्र कभी करीब 20 या 22 साल के करीब उम्र लग रही है, लेकिन एग्जैक्ट उनका बता पीएम के बाद ही सबसे गिराया गया। लगभग सर कोई अंदाज़ा है ये कहाँ की है महिला? अभी ऐसा कोई पता नहीं है, उसके लिए बताया कि अभी अज्ञात है, शिनाख्त नहीं हो पाई, जैसे शिनाख्त होती है उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी सबको पीएम के लिए मौसमी भिजवाया जा रहा है, अभी 72 घंटे तक शिनाख्त करवाई जाएगी, अगर उससे पहले हो जाती है और आगे कार्रवाई। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश जनपद फरखाबाद के लालसराय का मामला, जहां चूड़ी खरीदने आई युवती के साथ दुकानदार ने अपने साथी के साथ मिलकर गोदाम में ले जाकर किया दुष्कर्म। सर, कोतवाली फरखाबाद में एक रेप की घटना का मुकदमा लिखा गया, क्या है पूरा मामला सर? दिनांक 15/9/21 को थाना क्षेत्र फरखाबाद में सराय पानी टंकी के पास एक चूड़ी वाले की दुकान पे पीड़िता ने आके बताया कि शिकायत की कि उक्त दिनांक को वो यहाँ पे आई और उसके साथ दुकानदार और एक अन्य साथी ने उसके साथ ही बलात्कार की घटना घटित की। इस संबंध में कल ही जो है थाना क्षेत्र पे अभियोग पंजीकृत किया गया था, जब शिकायत दी गई तत्काल पंजीकृत किया, वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही, मेडिकल इत्यादि कार्रवाई करा दी गई और शेष कार्रवाई प्रचलित है। इसी और जो 2 नामित अभियुक्त थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और शेष वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही। आगरा में फिर जागा जहरीली शराब का जिन, जहरीली शराब के सेवन से व्यक्ति की मौत, परिजनों का आरोप शराब पीने से बिगड़ी तबीयत। व्यक्ति की मौत से परिवार में मचा कोहराम, 18 मौतों के बाद भी धल्लड़े से बिक रही ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब। थाना डॉकी क्षेत्र के जमनी ठार का पूरा मामला। थाना गड़िया रंगीन सैजानपुर पुलिस के ग्राम नौगवा नरोत्तम में गोली लगी अवस्था में युवक व युवती का शव हुआ बरामद, जिसके संबंध में एसानंद ने दी जानकारी। 12 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना गड़िया रंगीन में ग्राम नौगवा नरोत्तम में एक महिला की और एक पुरुष की बॉडी है। महिला जो है वो उसके अपने घर पे ही फर्स्ट फ्लोर में उसकी बॉडी पड़ी है, जिसके खून है आसपास, और एक लड़का जिसका जिसकी बॉडी उस घर से करीब 150 मीटर पे एक पेड़ के नीचे वहाँ पड़ी थी। तुरंत सभी अधिकारी मौके पे पहुँचे। जो महिला है वो अनमैरिड है और उसके भी एक बुलेट इंजरी थी चेस्ट पे, और इसी प्रकार से जो मृतक है आशीष सिंह लड़का, उसके भी चेस्ट पे एक बुलेट इंजरी थी। जो मृतक है उसके दाहिनी जेब से, पहने हुए पैंट के दाहिनी जेब से एक 315 का खोखा और एक 315 का जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। जो खोखा कारतूस है उससे ऐसा लगता है कि ये रिसेंटली फायर्ड है ये खोखा। ये भी जानकारी में बात आई है कि दोनों के बीच में काफ़ी समय से प्रेम संबंध थे और मृतक की शादी 2 वर्ष पहले हुई। ये वहाँ नोएडा में काम करता था और वहाँ परसों तक उसके नंबर पर रिस्पॉन्स आ रहा था, उसके बाद से उसके नंबर पर रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी बाकी तमाम जो तथ्य हैं उस पर गहनता से विवेचना की जा रही है। चूँकि जो लड़के की बॉडी है और लड़की की बॉडी है उसके बीच में कोई ब्लड का ट्रेल नहीं है, तो दोनों ही जो घटनाएं अलग अलग जगहों पे वहाँ की जानी ऐसी प्रतीत होती हैं। लड़की के घर वालों से भी पूरी विस्तार से वार्ता हो रही है कि क्या बैकग्राउंड हो सकता है, क्योंकि 2 बजे रात के आसपास उसकी माँ वहाँ छत से नीचे आना बता रही है और उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रॉबेबल है कि उसको फायरआर्म की आवाज़ ना आई हो, और लड़के के जेब से एक जो खोखा और जिंदा कारतूस मिलना ये भी थोड़ा सा इंगित करता है कि इस पर भी गहनता से छानबीन की जा रही है। दोनों के ही कपड़े इंटैक्ट थे, लड़की भी पूरी तरह से कपड़े पहने हुए थी और ये लड़का भी पूरी तरह से अपने कपड़े पहने हुए था, तो इस आधार पर हमारी गहनता से छानबीन चल रही है। इस घटना में जो भी घटनाक्रम रहा होगा उसका अनावरण हम अति शीघ्र कर लेंगे। फील्ड यूनिट के द्वारा भी जो आवश्यक कार्रवाई की गई है और बाकी जो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है,
तहरीर जैसी भी प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई थाने पर की जाएगी। अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो अलग अलग जगहों पर ये घटनाएं हुई हैं और इस घटना का घटनाक्रम क्या होगा। कानपुर देहात में रूरा क्षेत्र के नजदीक एक ब्राह्मण बच्चे की निर्मम हत्या आखिरकार हो ही गई, जबकि प्रशासन को उसने पहले ही अवगत कराया था। कानपुर के रूरा गांव में ठाकुरों द्वारा की गई 22 वर्षीय ब्राह्मण युवक आशु तिवारी की निर्मम हत्या मामले में परिवारजनों से मिलने पहुंची बीजेपी विधायिका, घटना की निंदा करते हुए की आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग, साथ ही थाना अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग भी जाहिर की। तो बोले कान लगे कि हम तुम्हारी पंडितों की मदद नहीं करेंगे, हम ठाकुरों की मदद कर पाएंगे। वो उधर से चला आया, आने के बाद में समान अप्लीकेशन गुहार लगावत रहो, कोई सुनाई दुनाई नहीं। भे विजय सिंह कह रहे थे कि हम नीके नहीं नागा, हमारे पास 200 कारतूस है, राइफल है, ये इसकी दम से ले लेंगे और प्रधानी से पैसा 30 लाख रुपया कमाया है और गुंडस्ती से लेंगे, सब कुछ करके उनके भाई भी ओमकार सिंह, वो दोनों भाई प्रधान रहे पूर्व, अब तो पूर्व हो चुके हैं। उन्हीं लोगों ने हत्या कर दी, उन्हीं की शरारत उन्हीं ने की, शरारत बहुत ज्यादा, इसमें कम से कम दसियों आदमी का हाथ है, पर पूरा काम ही नहीं कहा है। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की थी? हमने डीएम साहब की, सवान लड़के ने हमारे शिकायत सवान की और परसों के दिन मंगलवार के दिन ये राइफल लेके आया और यहाँ एक दो फायरिंग भी की। हमारे लड़के ने ना तुरंत फोन किया एसपी साहब को, तो एसपी साहब ते ना फिर तुरंत वापसी कॉल आई, तो कहने लगे पापा एसपी साहब का फोन करो, तो तब बोलो कहने लगे तुरंत फोन आई, तो कहने लगे आत्मरक्षा के लिए हम रखे हैं, बात खत्म। अब आपकी मांग क्या है यहाँ पे? अब हमारी मांग ये है कि जो ये लोग हैं इनने काम करो है, मालू मारा है, मर्डर करो है, हत्या की है और इनके भाई शरारत में ये भी साथ में, और 6 बजे के बाद 7 बजे के लमसम्मा इसकी अभी सुबह हत्या हुई है। हमारी मांग ये है कि इन लोगों को गिरफ्तारी की जाए और इनका कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और लापरवाह जो अफसर हैं उनके खिलाफ क्या मांग करते हैं? लापरवाह जो अफसर हैं उनको सस्पेंड किया जाए। इन्होंने अरे यशो साहब ने ना पहले से भूमिका बनाई थी, पैसे लिए थे जमीन के विवाद में, 1 लाख रुपया लिया था। तो थाना रोरा के गहुलिया गांव में एक 26 वर्षीय युवक की मृत्यु की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां परिजनों ने आरोप लगाया कि जमीन संबंधी मामले में कुल 5-6 व्यक्तियों ने मिलकर के उसके बेटे की हत्या कर दी है, सिर में चोट पहुंचाई गई है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर पर नामजद FIR दर्ज कर ली गई है और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में परिजन ने आरोप लगाया कि हलका प्रभारी और थाना प्रभारी ने इस संबंध में लापरवाही बरती है, जिसके क्रम में उपनिरीक्षक को निलंबन की कार्रवाई की गई है और थाना प्रभारी को थाने से हटा दिया गया। क्या हुआ भैया, क्यों परेशान हो? अरे कुछ नहीं, बस डिश नहीं आ रही, तो क्या करूं घर में बैठकर, बोर हो रहा हूं। अच्छा, तो फिर एक काम करो। क्या? गूगल पर जाकर www.rangtv.com डाउनलोड करो और देखो अपने मनपसंद प्रोग्राम बिना डिश के बिल के। हाँ बिल्कुल भाई, बिना डिश के बिल के। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ बिल्कुल, तो फिर लो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। अरे भैया मजा आ गया है ना, अच्छा है। हाँ भैया बिल्कुल बहुत अच्छा है, तो मैं डिश और केबल सब कुछ हटवा कर यही ऐप चलाऊंगा। राजधानी लखनऊ के कमिश्नरेट थाना काकोरी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हलवापुर चौराहे पर स्थित यादव ऑटोमोबाइल मोटरसाइकिल दुकान में अज्ञात लोगों ने लगाई आग, लाखों का सामान व धनराशि जलकर हुई खाक, सामान के साथ साथ दो मोटरसाइकिल भी हुई जलकर राख। Thank you.
लखनऊ में तेज बारिश के चलते हुआ भीषण सड़क हादसा। तीन कार आपस में टकराई, तीनों गाड़ियां बुरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त। कार सवार लोगों को आई गंभीर चोटें, इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा गया। आगे बढ़ा लो। अनाधिकृत रूप से गाड़ियों का कटान करते हुए थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 6 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 6 बस, 9 ट्रक एवं भारी मात्रा में वाहन के पार्ट्स व पुर्जे हुए बरामद। जो काटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, कितने वाहन इससे बरामद हुए हैं और क्या इनका प्रोफाइल है? देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें शिकारपुर तिराहे के पास स्थित कब्रिस्तान में एक नया कट्टी घर जिसमें गाड़ियों को काटने का धंधा अनधिकृत रूप से संचालित किया जा रहा था, उसके बारे में अब सूचना थी। उस अब सूचना पर सीओ सिटी और कोतवाली इंस्पेक्टर और टीम को भेजा गया। वहां पहुंचने पर पाया गया कि वहां पे लगभग 15 चार पहिया वाहन कटे अधकटे स्थिति में मिले। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सी गाड़ियों के कटे हुए पार्ट्स मौके पर मिले, जिनमें 15 गाड़ियों के नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर हमें प्राप्त हो गए हैं। 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इस संबंध में की गई है जो अनधिकृत रूप से किसी न किसी रूप में इस कार्य के संचालन में लिप्त थे। जो गाड़ियों के नंबर मिले हैं उनको हम वेरीफाई करा के देखना चाह रहे हैं, प्रयास करेंगे इस विवेचना में कि वो चोरी की हैं या मालिकों के द्वारा टाइम पूरा हो जाने के कारण इस क्षेत्र में एनजीटी के निर्देशों के क्रम में कटने के लिए आई थी। इसके अतिरिक्त ऐसी आशंका है कि उसमें कटपे वाहन ऐसे होंगे जो चोरी के रहे होंगे, उस संबंध में भी हम इंजन नंबर, चेसिस नंबर प्राप्त कर रहे हैं। लगातार हमारी टीम उस पर काम कर रही है। साथ ही यह भी इसमें एक विचारणीय विषय है कि इसमें किसी भी स्थानीय अधिकारी कर्मचारी की क्या संलिप्तता रही है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम कब्रिस्तान के अंदर चल रहा था। यदि कोई इंटीरियर स्थान है, फिर भी स्थानीय पुलिस को इस संबंध में पूरी जानकारी समय रहते क्यों नहीं हो पाई, अन्य स्रोत से जानकारी प्राप्त हुई, तो ये तमाम जांच के विषय हैं। विवेचना इस पूरे अभियोग की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। 2 इंस्पेक्टर्स की एसआईटी के द्वारा इसकी विवेचना सीओ सिटी के नेतृत्व में कराई गई। सर, कुछ गाड़ियों के नंबर इसमें अवेलेबल नहीं है। देखिए, वहां पे जितनी भी गाड़ियां हैं, ये नंबर जो प्रथम दृष्टया 15 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर मिले थे वो दर्ज हैं एफआईआर में। विवेचना के दौरान और जितने भी नंबर प्राप्त होते जाएंगे वो उसमें सम्मिलित होते रहेंगे। कन्नौज में तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार को मारी पीछे से टक्कर, गंभीर रूप से हुआ घायल। ग्रामीणों व पुलिस की मदद से पहुंचाया सौसाया अस्पताल, चालक मौके से फरार। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप की पूरी घटना। लड़की अपहरण सूचना फैलाकर परिजनों ने सड़क को किया जाम। अब गौतम बुद्ध नगर पुलिस फर्जी अपहरण मामले में सड़क जाम का मुकदमा करा सकती है परिजनों के खिलाफ, बड़ी कार्यवाही। आगे बढ़े, टेक्निकल डिटेल से हमें पता चला कि ये बालिका जो है एक दिन पहले ही 15 तारीख को अपने घर से अपने आप गोंडा के लिए निकल चुकी थी। गोंडा के रहने वाले एक शख्स है अनिमेश तिवारी, उनसे जो है वो इसकी लगभग 2 साल से जो है वो फ्रेंडशिप है, जो ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू हुई थी, उसको जानती थी। और ये गोंडा पहुंची है 16 तारीख को, और जब हमको ये जानकारी हुई तो हमने एक टीम वहां भेजी और उसके बाद जो है वो लड़की सकुशल बरामद हुई। अभी विधिक कार्रवाई जो है वो जनपद गोंडा में उस क्रम में प्रचलित है। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि परिवार के द्वारा ये जानकारी जो है वो छुपाई गई। उनको ये जानकारी थी कि लड़की 15 तारीख को चली गई है, उसके बावजूद जो है इन्होंने 16 तारीख को सुबह मॉर्निंग में ये सूचना दी, जो कि झूठी थी, कि लड़की का अपहरण किया गया है और एक सनसनीखेज तौर पर जो है वो ये सूचना प्रसार प्रसार कराई। इसके अलावा रोड जाम भी उनके द्वारा किया गया। यदि ये तथ्य हमें पहले ही बता देते तो इसमें हम जो है वो और त्वरित और जल्दी कार्रवाई करते। इस सभी संदर्भों में जो है वो विधिक राय लेकर के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, और जिनके द्वारा झूठी सूचना दी गई है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने रोड जाम किया उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, और बालिका के जो लीगल प्रोसीजर के तहत जो है वो कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे, जिसमें माननीय अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम टीम को दिया गया है, और ये कलेक्टिव एफर्ट था।
बालिका की 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामदगी कराई गई है। इसके लिए मैं जो है अपनी टीम को धन्यवाद देता हूं। परिवार ने गलत सूचना देने का कारण क्या था? दोस्ती कैसे हुई थी? ये ऑनलाइन जो है वो अभी जो जानकारी प्राइमरी प्राप्त हुई है, इनकी जो है वो लगभग 2 साल से ये जान पहचान है और ऑनलाइन इनकी जो दोस्ती जो पूरे घटनाक्रम बनाया पीछे कौन था जिसने बनाया? इसमें जो अभी जानकारी निकल गया है परिवार के लोग इसमें शामिल थे। परिवार में जो है वो इनके एक पुलिस में जो है वो ASI है, उनके द्वारा भी जो है वो सूचना भ्रामक दिलवाई गई। क्या नाम है सर? महाराज सिंह उनका नाम है। इसके अलावा जो है इनके परिवार के अन्य लोग इसमें दादा और बाकी लोग शामिल है, वो उनके द्वारा जो है सूचना दी गई और इवन रोड जाम भी किया गया, आप जानते हैं, उसको भी हम लोग राय ले रहे हैं। और चूंकि ये सूचना जो है वो इनके द्वारा पहले से ही प्लान की हुई थी, 15 तारीख को चूंकि बालिका जब चली गई है ये इनकी जानकारी में था, तो ये 16 तारीख में इन्होंने जो है वो एक भ्रामक सूचना पुलिस को दी, जिससे पुलिस परेशान हुई और अंततोगत्वा जो है वो रेंज सर्विस लाइन्स टीम व हरदोई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कोतवाली शहर अंतर्गत गेहूं लदे ट्रक लूट की ब्लाइंड घटना का हुआ सफल अनावरण। घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार, लूटा गया माल भी हुआ बरामद। ललितपुर में यात्री बस अनियंत्रित होकर जामनी नदी में गिरी, पुल के ऊपर बहते पानी से निकल रही थी बस, लगभग 25 से 26 यात्री बस में थे मौजूद, ड्राइवर कंडक्टर बस छोड़ फरार। बानपुर थाना क्षेत्र के पुतली घाट का पूरा मामला। जब इतनी नदी चढ़ी तो बस निकालना ही नहीं चाहिए। पंडे ककवन थाना के अंतर्गत ग्राम सरीगवा में लगातार हो रही बारिश के कारण ओम प्रकाश कुशवाहा का कच्चा मकान ढह गया, अभी तक नहीं मिली कोई आर्थिक मदद। मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, मुझे कोई गिर गया है तो इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए BPN न्यूज़।